नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का एक रास्ता। इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। हमारे देश में शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी न किसी धर्म का कोई उत्सव न मनाया जा रहा हो, लेकिन रोजाना की खबरों में ये खबरें कहीं खोसी जाती है। इसीलिए एवन टीवी आपके लिए लेकर आता है उपासना, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की कुछ चुनिंदा धार्मिक खबरें जिनमें बहती है आस्था और आराधना की लहरें। तो आइए शुरू करते हैं उपासना और देखते हैं भक्ति तरंग, जिसमें होगी हर धर्म हर मजहब से जुड़ी खबरें। मेड़ता शहर में रामनवमी पर आयोजित शोभा यात्रा में 200 से अधिक झांकियां शामिल होगी। रामनवमी महोत्सव आयोजित करने को लेकर रामधाम देवास में शास्त्री रामनिवास महाराज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। रामनवमी महोत्सव पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से उद्योगपति केदारमल बिरला को अध्यक्ष बनाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए नागौर विभाग प्रचारक गिरधारी लाल ने कहा कि भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव पर हमें अपने अपने घरों और मंदिरों में पूजा करनी चाहिए, साथ ही शहर में भव्य शोभा यात्रा भी निकालनी चाहिए। इस मौके पर रामनवमी महोत्सव पर शोभा यात्रा को लेकर एक कार्यकारिणी का गठन किया गया। केदारमल बिरला, श्याम सुंदर दादिज, लीलाधर सोनी, गिरधारी लाल बोराना सहित अनेक लोगों को शामिल किया गया। बैठक में शहर के सैकड़ों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, व्यापारी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया।